अरे बहुत को अब शादी भी आना होगा। मोदी जी शादी करके बीवी को छोड़ दिए, बाल बच्चा जन्माने की क्षमता नहीं था। तो हम लोग इस देश में बाल बच्चा जन्माने के लिए है ना, देश की आबादी बढ़ाना है ना, पाकिस्तान को हराना है, चाइना को हराना है, सबको हराना है, तो जनसंख्या चाहिए ना, मजबूत चाहिए ना। आप नमस्कार, मैं भी देवसुन कुमार और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। अभी हम आए हैं पटना कॉलेज पर, यहाँ पे जन अधिकारी पार्टी के छात्रों के द्वारा यहाँ पे जो अग्निपथ योजना आई थी सरकार के द्वारा, उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे जो पटना कॉलेज का गेट है वहाँ पे ये छात्र उसमें ताला बंद करने के लिए आए थे, जहाँ पे पुलिस और इनमें कुछ मतलब मतभेद हुई और इनकी मांगे यही है कि जो भी अग्निपथ योजना है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो 4 साल बाद जो भी सेना में उसे रिटायर कर देने का मतलब है, ये बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। जिंदाबाद। छात्र नेता के द्वारा पटना यूनिवर्सिटी जो है इस पर ताला लगाया जा रहा है गेट में, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन से, कहेंगे थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार रोका जा रहा है, लेकिन छात्र नेता के द्वारा यहाँ पे जो पटना यूनिवर्सिटी के जो गेट है वहाँ पे ताला लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप तस्वीरों में देखते रहिए, दोनों के बीच वार्तालाप भी हो रही है और आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे ताला लग पाता है या तो प्रशासन के द्वारा इन सब पर, इन सभी स्टूडेंटों पर लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। आप सब देख सकते हैं क्या हुआ सर, ताला क्या हुआ। देखिए हम लोग छात्र के हित में हैं, एक किसान का बेटा है और छात्रों के हित में हम लोग है। आपको 4 साल की नौकरी देंगे, 4 साल कीजिएगा, 4 साल कोई नहीं करेगा। तो ये अडानी और अंबानी को रखेल बनाना चाह रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नौजवानों पर बिना मतलब को जेल में बंद किया गया ना, ये भाजपा द्वारा ट्रेन जलाया गया, भाजपा द्वारा पास जलाया गया। सर आप बताइए, ट्रेन मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए ट्रेन जलाना कहाँ तक, हाथ तक सही है? ये भाजपा वाला ट्रेन जलाया है, आरएसएस वाला ट्रेन जलाया है, गोदी मोदी का सपोर्टर ट्रेन दे रहा है, स्टूडेंट तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ पे देखा जाए तो सारा तो स्टूडेंट ही दिख रहे थे सर। नहीं, आपके पास प्रमाण है, वो सब भाजपा के आरएसएस के है, स्टूडेंट के नाम पर वो लोग ट्रेन जला रहे हैं। अच्छा आप लोग यहाँ पे बैठने का क्या मतलब आप लोग? हम लोग और आर्मी को जो पहले बहाली होती थी वो बहाली फिर से हो, क्योंकि सेना के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चैन के नींद सोते हैं तो सेना सीना तान कर गोली खाने के लिए सीना पर तैयार रहता है। अच्छा आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोग पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या आप लोग यहीं पर रहेंगे? अगर लाठी से अगर डरते तो झंडा लेकर इतना धूपा में बैठे नहीं होते, इसलिए लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं है। आपकी मांगे क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों की मांगे हैं, जो जिन लोगों को फर्जी मुकदमा के तहत जेल में बंद किया गया है उन्हें जल्द से जल्द वापस किया जाए, और जो भी सेना में 4 साल की बहाली आई है उसे पूर्ण पिछली बहाली की तरह बहाली किया जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अग्निपथ योजना को लेकर यहाँ पे जन अधिकारी के पार्टी के छात्र जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। आइए हम और इसे देखेंगे। डिग्री लेकर छात्र क्या करेंगे, जब उनको ये सरकार नौकरियां देगी नहीं तो डिग्री कौन काम की? ये ताला को तो ये यूनिवर्सिटी को सदैव ताला बंद कर देना चाहिए, जब तक ये बिना बाल ना बच्चे वाले प्रधानमंत्री है जब तक। क्या करेंगे, ये बंद तो नहीं करना दी जा रही? अरे हम लोग यहाँ ना लड़ेंगे, डरना तो इनका भी बाल बच्चा पर काल मंडरा रहा है, आज किसान पर काल मंडरा रहा है ना। बंद करने का रीजन है कि आपके पास डिग्री है आज जॉबे नहीं है, तो कौन काम का डिग्री? इस देश का नौजवान अपना डिग्री में आग लगाएगा? आज तक प्रधानमंत्री डिग्री दिखाए, जिनको डिग्री नहीं हो वो डिग्री वाले को इज्जत देंगे, जिनको बाल बच्चा नहीं हो बाल बच्चे वाले को इज्जत देंगे, इसलिए हम लोग ये पूर्ण विरोध है। सुनिए ना, सब लोग प्रदेश अध्यक्ष का सब लोग साथ में बुलाइए, कहाँ गए हो? ताकि सेना प्रमुखों के नाम पे कोई विरोध ना हो, ये पूरी तरह से गुजरात मॉडल सेना पे लागू किया गया है, स्पष्ट समझिए। सेना, हम लोगों ने आज पटना विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से तालाबंदी किया है, प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश की है, हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। अगले कार्यक्रम के मैं 24 तारीख को हम लोग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और 27 तारीख को उसके बाद जो बचेगा सारे बिहार के विश्वविद्यालय को, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करेंगे। लेकिन आज के आंदोलन के माध्यम से हमारी चेतावनी है कि बिहार का छात्र नौजवान युवा नरेंद्र मोदी जी आपके फर्जी FIR से नहीं डरता है, आप हमें जेल भेज दीजिए, गोलियों से भून दीजिए, लेकिन हमारे कदम जो आगे बढ़ चुके, सच्चाई के मार्ग पथ पे आगे बढ़ चुके,
आपके इस फर्जी मुकदमे से पीछे तो नहीं हटेंगे। बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के भविष्य का सवाल है नरेंद्र मोदी जी, मरेंगे जेल जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मनीष यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना यूनिवर्सिटी। जन अधिकारी पार्टी के द्वारा यहाँ पे जो पटना कॉलेज पे ताला बंद किया जा रहा था वो ताला बंद नहीं हुआ है। सर क्या हुआ, आप लोग ताला बंद किए हैं? आप लोग 5 मिनट सर, आप ताला बंद किए हैं? आप ये घर कानूनी हो जाएगा, आप देख लीजिए। यूं नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। बैठने दीजिए सर, हम लोग सांकेतिक रूप से ताला बंद हुआ है। हम लोग सांकेतिक रूप से पूरा बिहार में मैसेज देना चाहते हैं कि सेनाओं के लिए हम लोग अच्छा रोड जाम करके मतलब क्या करना चाह रहे हैं जी? हम लोग सेनाओं के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पार्टी जनाधिकारी के छात्र जितने भी हैं यहाँ पे पटना कॉलेज में उनको ताला बंद करने नहीं दिया गया है। वो यहाँ पे पटना कॉलेज के गेट के सामने यहाँ पे वो रोड पे बैठ गए हैं।